अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं बना रही हूँ ब्लैक चने। उसके लिए पहले मैं डालूंगी ऑयल। आप चाहें तो घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मैं कनोला ऑयल यूज़ कर रही हूँ। और साथ में डाल देंगे इसके अंदर प्याज, लहसुन, अदरक, टमाटर, दो हरी मिर्ची। एक डेढ़ महीने साइज़ का प्याज है, एक डेढ़ महीने साइज़ का टमाटर है, छः लहसुन के जो हैं, आधा इंच अदरक का टुकड़ा है। इन सबको मैंने चॉप कर लिया और मैं अब ऑयल गर्म कर दिया, इसे मिक्स कर मसाले की खुशबू आना शुरू हो गई हुई है। मसाला चॉप करके डालने का फ़ायदा सिर्फ इसके अंदर ये होता है कि टाइम की बचत होती है और मसाला कच्चा नहीं रहता और जल्दी पक के तैयार हो जाती है। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। अब इसके अंदर मैं डाल दूँगी कुछ मसाले। पहले मैं डाल दूँ सॉल्ट, नमक और फॉरन फ्लोर तेज़, उसमें 1 टीस्पून में डाल दूँ और साथ में हल्दी पाउडर डाल दूँ 1 टीस्पून। साथ में डाल दूँ इसके अंदर सूखा धनिया पिसा हुआ और साथ में डाल दूँ इसके अंदर काली मिर्च, क्योंकि अब लाल मिर्च हम इस्तेमाल नहीं करते क्योंकि बच्चों को भी नहीं पसंद और मेरे हस्बैंड को भी। तो इस वजह से ग्रीन चिली और साथ में ये 1 टीस्पून भर के काली मिर्च और साथ में डाल दूँ इसके अंदर थोड़ा सा पानी ताकि मसाला जले ना। साथ ही डाल दूँगी इसके अंदर काले चने। इसके अंदर काले चने आप चाहें तो वाइट चने या लोबिया या दाल जो भी इस्तेमाल करते हैं उसके अंदर यही मसाला आप कर सकते हैं। इसको मैंने भिगो के रखा हुआ था तकरीबन 1 घंटे के लिए। अब इसको अच्छे से करूँगी थोड़ी भुनाई और फिर मैं इसके अंदर 2 ग्लास पानी भर के तकरीबन 25 मिनट के लिए प्रेशर कुकर लगा दूँ। फिर मसाला अच्छे से भून चुका हुआ है। अब मैं इसके अंदर डाल दूँगी पानी। अगर आप चाहें तो कलर के लिए पैप्रिका पाउडर या फिर आप कश्मीरी मिर्च भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मैं इसको 25 मिनट के लिए प्रेशर कुकर लगा 20 मिनट हो चुके हुए। अब मैं इसको चेक करूँगी। फ्लेम को ऑन करूँगी थोड़ा। ये मज़ेदार और अच्छी तरीके से गल चुके हैं। अब मैं इसके अंदर डालूँगी धनिया काट कर इसके अंदर। अच्छा, मैंने जो क्या कहते हैं प्रेशर कुकर लगाने से पहले मैंने इसके अंदर सफ़ेद ज़ीरा पिसा हुआ और हाफ टी स्पून गर्म मसाला पहले ही ऐड कर दिया था और मुझे तकरीबन इतने ही मसाला और शोरबा चाहिए। तो आप अपने अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट और जिस तरह का आपको पसंद है आप अपना इसके अंदर शोरबा रख सकती हैं। अब इसके अंदर मैं फ्लेम ऑफ कर रही इसका और साथ में मैं डाल दूँगी धनिया। मज़ेदार तैयार हो चुका है काले चने। उम्मीद है कि आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। अल्लाह हाफिज़।